वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिनेमा की दुनिया बॉलीवुड पार्क में। सन 1895 में फ्रांस के रहने वाले दो भाई ऑगस्ट और लुइस लुबियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फ्रेंच फिल्म दर्शाई थी। अगले ही वर्ष 1896 में लुबियर ब्रदर्स ने बॉम्बे हमारे आज के मुंबई में पहली बार अपनी चलचित्र दर्शाई थी। शुरू में तो हमारी आम जनता इसे मायावी दानवी ताकत समझकर इससे भयभीत हो गई, पर जल्द ही जनता के दिलो दिमाग में सिनेमा के मनोरंजन का ऐसा जादू चढ़ा कि आज तक उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आई एम झुंडीराज गोविंद फाल्के फ्रॉम इंडिया। आई वॉन्ट टू मेक अ मोशन पिक्चर। राजा हरिश्चंद्र राम की पहली मोशन फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित थी, संपूर्ण रूप से भारतीय क्रू और कलाकारों द्वारा निर्मित की गई। 1933 में दोबारा एक क्रांतिकारी फिल्म मेकर आदेशिर ईरानी ने फिल्म आलमारा से अब तक के गूंगे चित्रपट को आवाज दी और साइलेंट फिल्म्स के दौर से भारतीय सिनेमा टॉकी फिल्म्स की ओर अग्रसर हुआ। साउंड टेक्नोलॉजी से गीत संगीत के प्रचलन ने जोर पकड़ा। स्वरों की देवी लता मंगेशकर जी ने भी अपनी शुरुआत बतौर अभिनेत्री की थी और देखते ही देखते इस महान गायिका को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब प्राप्त हुआ। साल 1940 से 1960 को बॉलीवुड सिनेमा का गोल्डन एज कहा जाता है। 1960 से 1980 के दौरान इन कलाकारों ने अपनी फिल्म से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फिर एक ऐसा सितारा आया जिसे पहले सुपरस्टार का खिताब हासिल हुआ, राजेश खन्ना। जो सफलता राजेश खन्ना को मिली न भूतो न भविष्यते किसी कलाकार को नहीं मिली। हास्य कलाकारों का अपना विशेष योगदान रहा है फिल्मों की सक्सेस में। इन खलनायकों ने भी सिनेमा घरों में खूब तालियां गालियां और सीटियां लूटी। इनके साथ साथ कई कलाकारों ने रुपहले पर्दे पर अपना अपना जादू बिखेरा। इन अभिनेत्रों ने भी अपनी कला और अदाओं से लोगों को प्रफुल्लित किया। लेट 80s और 90s में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान ने दर्शकों को एक बार फिर सिनेमा घरों की ओर आकर्षित किया। तुझे देखा तो ये जाना सनम। इस दौर में शाहरुख खान बादशाह ऑफ बॉलीवुड कहलाए गए। कई कलाकारों ने बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब क्योंकि आप बॉलीवुड पार्क में आ गए हैं, आप भी अब बॉलीवुड का हिस्सा हैं। क्या पता कल आप में से भी कोई सिनेमा की आकाश गंगा में सितारा पर चमक उठे। जब तक मनुष्य रहेगा वो सपना देखेगा और जब तक कोई सपना देखेगा स्वप्न नगरी यानी हमारे फिल्म इंडस्ट्री बरकरार रहेगी। जय हिंद। Yes, तो आप सभी का मैं बॉलीवुड पार्क में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी को हैप्पी दिवाली। Yes, थैंक यू सो मच। ओके, तो देखो जीवन में ना हंसना बहुत जरूरी होता है, राइट? वैसे ही आज हमें हंसाने के लिए हमारे बीच एक आर्टिस्ट मौजूद है जिनको आपने बहुत सारे रियलिटी शोज में देखा होगा, जैसे कि द लाफ्टर चैलेंज, द कॉमेडी सर्कस। अब मैं नाम लूं तो शायद दिन भी डल जाए। ओके, तो मैं अभी उनको बुलाने चाह रही हूँ, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए उदय नैयर का। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या बात है, आसाम, गुवाहाटी,
वाह, आप सबको सलाम है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने मुझे टेलीविजन पर पहले देखा हुआ है? लाफ्टर चैलेंज, एक दो तीन, अरे वाह, इतने में तो सरकार बन जाती है, जबरदस्ती चुनाव हो रहा है। हाँ, मन कर रहा है आप सबको किसी बस में बैठा के कहीं गुवाहाटी तरफ ले जाऊं और अपनी सरकार बना लूं। तो लीजिए साहब, बॉलीवुड पार्क में आपका स्वागत है। मैं हूं उदय दहिया, आप लोगों ने मुझे टेलीविजन पर पहले देखा है, आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं जिंदा। तो पिछले 2-2.5 साल से बहुत परेशान है। किस चीज के लिए परेशान है? कोरोना। लेकिन जब से कोरोना आया है, इसने सबको बराबर कर दिया है, किसी में कोई फर्क नहीं बचने दिया। पहले आप अपने घर के पालतू कुत्ते को चैन में बांध के घुमाने निकलते थे, उसको देख के कोई डरता था तो आप बोलते थे, नाना डरो मत, इसने इंजेक्शन लिया है। अब स्थिति बदल गई है, अब आप उसको लेके निकलते हैं, कोई डरता है, आप बोलते डरो मत, इसने इंजेक्शन लिया है, वो पूछता और आपने, दोनों की हालत एक जैसी हो गई। लेकिन जब से कोविड आया है, मैंने एक चीज नोट की है, घर की महिलाएं बहुत खुश हैं, घर की जो गृहिणी है वो बहुत खुश है, क्योंकि अब उनसे कोई ये नहीं कहता कि खाने में स्वाद नहीं आ रहा। और अगर गलती से कोई ये कह दे, कैसा खाना बनाया है, इसमें तो टेस्ट ही नहीं, अच्छा आपको टेस्ट नहीं आ रहा, रुको फोन करती हूँ, हॉस्पिटल वाले आएंगे, आपको ले जाएंगे, 14 दिन क्वारंटाइन में रखेंगे, हर चीज में स्वाद आएगा। और अगर गलती से घर की गृहिणी खाने में नमक डालना भूल जाए, उससे कोई शिकायत नहीं करता, सब लोग चुपचाप खाना खाते फुल टेंशन में, फिर एक एक करके निकलते RT-PCR कराने, बोलते यार पता नहीं क्या हो गया, खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा। तो डॉक्टर बोलता, सर आपको कुछ नहीं हुआ, मैडम का दिमाग कहीं और है, खाने में नमक नहीं डाला है। तो साहब, मैं ये कोविड से बाहर निकलता हूं और धीरे धीरे करके हम सब बाहर निकलते जा रहे हैं। मैंने एक चीज नोट की है, मैं आजकल देख रहा हूँ कार्यक्रम में, तो छोटे बच्चे बैठे हुए, यहां भी बैठे हैं कुछ, ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, ये आजकल की पीढ़ी के बच्चे हैं, नए जमाने के बच्चे हैं। जब मैं इनको देखता हूं, इनकी बातें सुनता हूं, इनका शार्प माइंड देखता हूं, मुझे अपने आप को बहुत शर्म आती है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम कितने बेवकूफ थे और ये कितने इंटेलिजेंट, हमको तो 100 तक की गिनती मार मार के सिखाते थे, 100 तक गिनो, हम 89 पे अटक जाते थे, समझ में नहीं आता था इसके बाद 80 बोलना कि 90 बोलना। और ये आजकल के बच्चे, इनके पास टीवी है, रिमोट कंट्रोल है, मोबाइल है, इतनी सारी चीजें हैं, आप इनसे कुछ पूछो ये उसका जवाब नहीं देते, आपके क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन ठोक देते। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, ये गरम तवे पे जब कॉर्न फूट के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है? वो बोला, अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा। क्या तेज दिमाग है इन बच्चों का साहब। हाँ, वो स्कूल में एक मास्टर जी ने एक बच्चे को खड़ा किया, बोले खड़े हो जाओ, बोले बताओ 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आए, बोले मास्टर जी ऐसा है कि मेरे पास एक पैंट है, वो मम्मी ने धोके डाल दी, गीली थी इसलिए नहीं आया। बोले भाई वो परसों की बात होगी, तुम कल तो आ सकते थे। बोला सर कल मैं आ रहा था, रास्ते में आपका घर पड़ा, मैंने देखा आपकी पैंट सूख रही है, मैंने सोचा आज आप नहीं आए होंगे तो मैं लौट के घर चला गया। क्या तेज दिमाग है बच्चों का सर। वो एक बच्चा तो 4 दिन से स्कूल गया ही नहीं, घर पे आराम से खेल रहा, उसके दादाजी ने देखा उसकी टीचर आ रही है, बोला बेटा कहीं जाके छुप जा, टीचर आ रही है, 4 दिन से स्कूल नहीं गया, पकड़ में आ जाएगा। बोलता दादाजी मैं नहीं, आप छुप जाओ, क्योंकि मैंने टीचर से बोला था आप गुजर गए, मैंने 5 दिन की छुट्टी ले ली। क्या खतरनाक बच्चे हैं आजकल, ये आपको ही फंसा दे उल्टा। वो मास्टर जी बोले आज मैं आपको कुछ अलग ढंग से पढ़ाऊंगा, मैं ये ब्लैक बोर्ड पे जानवर के पैर का निशान बनाऊंगा और आपको देख के पहचान के बताना है कि उसका नाम क्या है। उन्होंने ऐसा चौक लिया और एक हाथी का पैर बना दिया, और एक लड़के बोले खड़ा हो बता कौन सा जानवर है, बोले सर समझ में नहीं आ रहा कौन सा, अरे बोले ध्यान से देख, पैर देख, पहचान, फिर इसका नाम बता, बोले सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोले तेरा क्या नाम है, बोले सर मेरा नाम, मेरा पैर देख के आप खुद ही पता लगा लो मेरा क्या नाम। मास्टर को उल्टा फंसा देते, इनका कोई भरोसा नहीं। अच्छा ये छोटे छोटे नहीं, ये मैंने बोला ना 21वीं सदी के बच्चे जो आज भी है। जी हाँ, चाहने वालों को संजय वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। वाओ क्या बात है, आपकी ड्रेस ऐसा लगता है कि आप सब कलाकार हैं,
आज पता ही नहीं चला कि कौन कलाकार है कौन कदरदान। वाह क्या बात है। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं यानी संजय वर्मा एक्टर, आपने मुझे कई टीवी शोज में देखा होगा, मैं स्वागत करता हूं कि कभी बचपन तो कभी जवानी है। जब मैं ये हाथ खड़ा करूं तो आपको बाबा बोलना है, क्या बोलना है? वाह 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 अपने सर में वाह वाह ऐसे करके आप बाबा बोल सकते हैं। ये हाथ खड़ा करूं बाबा बोलना है और ये हाथ खड़ा करूं तो क्या बोलना है? ताली बजानी बस। अंश किया है उधार लेके मैंने खर्च किया है, अंश किया है उधार लेके मैंने खर्च किया है, कभी बचपन तो कभी जवानी है। ये मोहल्ला तो बोल नहीं रहा है, कभी बचपन तो कभी जवानी है, गुजरती किस तरह से जिंदगानी है, कौन किस पर मेहरबान होता है। भाई दिवाली मनाने के लिए आप फिल्म सिटी आए हो, आपकी स्वागत भरी मेहरबानी है, यानी कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और यही कहते हुए आई है दिवाली ओ झांझर वाली, आई है दिवाली ओ झांझर वाली, तेरे नखरों ने शोर मचाया है। अरे सजना मेरा, अरे सजना मेरा, अरे सजना मेरा, फिल्म सिटी आया है, हैप्पी दिवाली रंग लाया है। अरे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, अरे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, और हैप्पी 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 दिवाली। चलिए आपका मूड बन गया, एंटरटेनमेंट से लवरेज हो गए हो, और अब शुरू करते हैं यहाँ बॉलीवुड की कुछ बातें। ऐसा ये जो रियलिटी शो का माहौल है आपने टीवी में देखा होगा, डांस डांस डांस, बुगी बुगी शो या सारे गामा, जितने भी रियलिटी शो होते हैं तो इस तरह ऑडियंस बैठती है, या कपिल शर्मा शो का ऐसा होता है। ये शो स्टेज के टीवी शो में हमने देखा होगा। आइए बहुत बातें बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि बॉलीवुड कैसे शुरू हुआ और किस मुकाम तक पहुंचा, ऐसी दीवानगी तक पहुंचा कि आप फिल्म सिटी आके, मुंबई आके आप फिल्म सिटी आए हैं कि देखना चाहते हैं कि बॉलीवुड का वहां स्थान कैसा है, धाम कैसा है। तो आइए मेरे साथ बोलिए लाइट। मैं दिखाना चाहूंगा बॉलीवुड की डॉक्यूमेंट्री, दिखाना चाहूंगा लाइट, कैमरा, एक्शन, यस। तो आइए सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको बॉलीवुड के बारे में छोटी सी लघु फिल्म की, फिल्म का माहौल कैसे शुरू हुआ। यस ये क्या पूछेंगे, क्या जवाब देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। वो मुझे याद है एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट, कॉलेज में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट ने एक प्रोफेसर से पूछ लिया, बोले प्रोफेसर साहब ये बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ कि आपने मुझे फेल क्यों कर दिया। वो कॉलेज में उनकी परीक्षा हुई थी तो लड़के को फेल कर दिया। तो बोले क्यों फेल किया? बोले तुम्हारे जवाब कुछ ठीक नहीं थे तो मुझे ठीक नहीं लगे, मैंने फेल कर दिया। बोले सर ऐसी बात नहीं है, आप मेरे छोटे छोटे तीन सवालों के जवाब दे दो, मैं मान लूंगा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बेवकूफ हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं फेल हो गया हूं। बोले पूछो। बोले सर वो क्या है जो लीगल है मगर लॉजिकल नहीं? लॉजिकल है तो लीगल नहीं है, ना फिर वो लीगल है ना लॉजिकल है। सर बोले यार ऐसा क्या होगा? बोले या तो जवाब दो या मुझे पास करो। बोले ठीक है मैंने तुमको पास किया। अगले दिन प्रोफेसर साहब स्कूल पहुंचे, स्कूल में जाकर उन्होंने सारे बच्चों से पूछा, बोले बच्चे कोई मेरा जवाब देगा कि वो क्या है जो लीगल है तो लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है तो लीगल नहीं है, ना फिर वो लीगल है ना लॉजिकल। एक लड़का बोला सर मैं बताता हूँ। बोले सर क्या है कि इस साल आप रिटायर होने वाले, आपकी उम्र लगभग 60 साल है, पिछले साल आपने एक 24 साल की लड़की से शादी की है, ये लीगल तो है मगर लॉजिकल नहीं। अब वो लड़की एक लड़के से प्यार करती है जो लॉजिकल तो है मगर लीगल नहीं, और उसी लड़के को आपने पास कर दिया जो ना लीगल है ना लॉजिकल।
ये बच्चे कहां फंसा देंगे कोई भरोसा नहीं। मैं तो अभी यहाँ बॉलीवुड पार्क में आया, बाहर बहुत जंगल है, आप गए होंगे देख रहे होंगे बहुत जंगल है। एक लड़का मेरे साथ में था, बड़ा लड़का, मेरे से बोलता है भाई साहब ये जो झाड़ पे बैठा ये कौन सा पक्षी है। मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा ये किंग फिशर है। बोलते अच्छा ये बताओ ये माइल्ड है स्ट्रॉन्ग है। अपने गणित लगा के रखते, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये क्या पूछेंगे क्या जवाब देंगे, ये बच्चों की दुनिया है। लेकिन मैंने एक चीज देखा, ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट क्यों हो रहे हैं, अभी के बच्चे इतने इंटेलिजेंट क्यों हो रहे हैं और हम लोग क्यों नहीं थे, उसका एक कारण है। एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था, घर पे भी होता था, स्कूल में भी होता था, आजकल वो बंद हो गया है। वो कार्यक्रम है पिटाई का कार्यक्रम। पहले पिटाई घर पे भी होती थी, स्कूल में भी होती थी, आजकल पिटाई बंद हो गई, कहीं पिटाई नहीं होती साहब। अभी तो मुझे याद है अभी साउथ में एक बच्चे को एक टीचर ने थप्पड़ मार दिया, उस टीचर के ऊपर केस हो गया, उसको 50,000 रुपए देने पड़े बच्चे को एक थप्पड़ के एवज में। मैंने सोचा बताओ अगर ये वाली सुविधा हमारे टाइम होती तो मैं तो 4-5 फ्लैट खरीद लेता मुंबई। हमारी तो पिटाई इतनी होती थी, किस बात से पिटाई हो जाए कोई भरोसा नहीं होता था। वो घर में जो पिटाई होती थी, इतनी पिटाई होती थी, मतलब कभी भी कोई भी पीट देता बचते बचाते हमको निकलना पड़ता था। अच्छा पिटाई होती कैसे थी, रात को सो नहीं रहे तो पिटाई, देर तक जाग रहे तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे तो पिटाई, सुबह उठ गए चाय मांग ली इस पे से पिटाई, कोई मेहमान आ गए उनके आजू बाजू में बार बार घूम रहे उस पे से पिटाई, फिल्म देखने के लिए पैसे मांग ली उस पे से पिटाई, दोस्त के पैसे से फिल्म देख के आ गए उस पे से पिटाई, कहीं घूमने जा रहे उस पे से पिटाई, मेहमान आ गए उनके साथ जाने की जिद कर रहे उस पे से पिटाई, है किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए तो पिटाई। और कई बार तो इसलिए मारते थे इसको 4-5 दिन से नहीं मारा है तो पीटे। साहब इतनी पिटाई होती थी हमारी। अच्छा एक पिटाई पहले होती क्यों थी और अब क्यों नहीं होती है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी छोटी छोटी रिसर्च है जो मैं खुद ही करते रहता हूँ। क्या है कि हम लोग 5 भाई बहन हैं, मेरे बाजू में एक तिवारी जी रहते थे उनके 8 बच्चे थे, इस तरफ एक गुप्ता जी रहते थे उनके 11 बच्चे थे। पहले बच्चे भी किसी के 8, किसी के 10, किसी के 12। आजकल क्या है न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा, बड़ी मुश्किल से किसी के 2। अब आप सोचो इमेजिन करो, आप देखते हो घर में सुबह सुबह पति तैयार होके लंच बॉक्स पैक करके जैसे ही घर से निकलता है वो एक बच्चा है वो आके खड़ा होता है, पापा मुझे गाड़ी से घुमाओ ना। उसको बिठाते हैं गाड़ी में, एक राउंड मारते हैं, चॉकलेट देते हैं, छोड़ देते हैं। अब आप इमेजिन करो जिसके 10 बच्चे हैं वो ऑफिस के लिए घर से निकला है, वो सारे बच्चे लाइन से खड़े हैं और सब बोल रहे हैं पापा हमें घुमाओ। अब क्या करेगा यार, अगर ये सबको एक एक करके घुमाएगा तो इसका लंच टाइम तो यही हो जाएगा, वो टिफिन उसको यही खोल के खाना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका था मैनेजमेंट का, जैसे ही पहले बच्चे ने कहा पापा हमें घुमाओ उसको एक झापड़ मारता था बाकी के दौड़ के अंदर चले जाते। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट का तरीका। अच्छा ये पिटाई पहले होती क्यों थी और अब क्यों नहीं होती, उसका भी एक कारण है, उसका भी एक कारण। पहले हम लोग ऐसे इकट्ठे परिवार में रहते थे और 5 साल की उम्र के बाद तो हमारा स्कूल में नाम लिखाता था। आजकल के बच्चे आप देखो 2-2.5 साल के मासूम बच्चे जिनको अपना नाम बोलना नहीं आता उनका स्कूल में नाम लिख देते हैं, और जितना वजन उनका खुद का नहीं है उससे ज्यादा वजन उनका बैग का होता है, किताब है, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, ये वो चलते ही ऐसे है जैसे वो अनाज मंडी का मजदूर बोरा टांग के चलता है। उसके बाद वो स्कूल से आता, कोचिंग जाता, कोचिंग से आता, इधर पढ़ने बैठ जाता, हम ही उससे बोलते बेटा कहीं खेल के आया, कर बोलता पापा टाइम ही नहीं है कहाँ खेलने का। अब इस बच्चे को कौन डांटेगा आप बताओ, ऊपर से टेंशन लेते कि परसेंटेज कम आए। मेरा बच्चा 98% लेके आया और टेंशन में बैठा, मैंने कहा क्या हो गया, बोले 98% आया। मैंने कहा बेटा जितने नंबर लाके तू टेंशन ले रहा है ना इतने नंबर में मैं और तेरे बड़े पापा दोनों मिलके पास होते थे, हमारे तो आते ही थे 48-49%, इसके आगे कभी आते ही नहीं थे। ये 99% लाके टेंशन लेते हैं, इनको कौन मारे। मैं बच्चों से बस एक बात कहना चाहता हूं, आप अपना 100% दीजिए लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आप उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये कागजों और डिग्रियों पर लिखे हुए परसेंटेज आपके जीवन को नहीं बदल सकते, आपके भाग्य के बनाने वाले आप खुद हो, आप जीवन में जो चाहोगे वो बन जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके बीच फिर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
क्या बात है, मजा आया आप सबको? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उदयनिगर सर के लिए। यस ओके, तो अभी चलते हैं शो के क्लाइमैक्स की ओर। तो जैसे कि हमारी जो मूवीज होती है वो म्यूजिक के बिना अधूरी होती है, राइट? वैसे ही आज हमारा शो भी म्यूजिक के बिना अधूरा है, और उसी अधूरेपन को मिटाने के लिए हमारे बीच एक सिंगर मौजूद है जो कि अपनी सिंगिंग से हर एक को कर देंगे पागल। सो प्लीज वेलकम हियर हमारे, ठीक है मैं सस्पेंस रखूंगी, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए सर। हेलो, जी हाँ, एक बार फिर से यस। हे हे La 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 la. Ar aayi hai Diwali, chaajar wali, tere nakhron ne shor machaya hai. Sajno mera aaj ghar aaya hai. एक बार फिर से संजय वर्मा की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं जोरदार तालियों के साथ। यस, तो आइए आज मैं गाना गाऊंगा और मैं चाहता हूं कि कुछ लोग दिवाली डांस करके थोड़ा सा दिवाली सेलिब्रेशन करें। आप करोगे सब मेरे साथ? यस ओके, तो आप मंच पे आ सकते हैं, क्या बात है। चलिए मेरे साथ आपके आ जाने से संगीत ओके, बाकी लोग चले जाएंगे। Thank you.
क्या बात है, वंडरफुल पीपल वंशिका वर्मा, वन टू जब छा गया कैसे ये नशा रे, आ गया जीर का मसाले, हरियर में तो चटाले उसकी गया रे, और हर में तो गया रे दिल भी गया रे, अरे अरे में तो गया रे दिल भी गया रे, अरे अरे में तो गया रे दिल भी गया रे। विशाल भैया, विशाल आके सनम एक दूजे में खो जाए, दिन क्या दिन क्या से हम मिल के प्यारा सा एक घर बनाए, झुमो 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 सावन में मेरे यार भजन गाए, पीके आया पीके आया सावन में मेरे यार भजन सावन में मेरे यार धड़कन गाए मल्हा, सावन में मेरे यार धड़कन गाए मल्हा, छाया के दिल को धड़कन गाए मल्हा, रोग कोई दिल का तो लगा ले, छा गया कैसा ये नशा ले, हरे हरे में तो गया रे प्रेम भी गया रे, हरे हरे में तो गया रे दिल भी गया रे, हरे हर में तो गया रे दिल भी गया रे, हरे हर में तो गया रे दिल भी गया रे, हरे हर में तो गया रे। विजय शर्मा जी, थैंक यू सो मच, गेट सारा पीछे दूंगा।